हे गाइस, गिज़्मोडिक्ट हियर। और कल मैंने अपना पोको X2 का फुल रिव्यू अपलोड किया था, तो आप सबका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था वो वीडियो पे। बट एक सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में था वो ये था कि इसका पबजी रिव्यू कब आएगा। तो आज हम करने वाले पोको X2 का डिटेल्ड पबजी रिव्यू। तो आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड पबजी रिव्यूज होगा यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ पर न केवल मैं आपको गेम प्ले दिखाने वाला हूँ, बट हम एक्चुअली अलग अलग सेटिंग्स पे गेम खेलेंगे। मैं GFX टूल यूज़ करके 60 FPS पे आपको गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। हम FPS चेक करेंगे, बैटरी ड्रेन चेक करेंगे, और हम ये भी चेक करेंगे कि फ़ोन का टेम्परेचर कितना हाई जाता है। तो बहुत ही इन डेप्थ पबजी रिव्यू होने वाला है ये, तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको तो पता ही है कि पोको X2 बाय डिफॉल्ट खाली स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स पे जा सकता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ये फोन पर जो स्नैपड्रैगन 730G है वो बाय डिफॉल्ट कोई भी फोन में अल्ट्रा के ऊपर जाता ही नहीं है, और अल्ट्रा बेसिकली 40 FPS है। और अगर हमें 60 FPS खेलना है तो हमें एक्सट्रीम ऑप्शन चाहिए, और एक्सट्रीम ऑप्शन आप GFX टूल के साथ ये फोन पर इनेबल कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि मैं आपको नॉर्मल जो स्टॉक सेटिंग्स पे 40 FPS का गेम प्ले है और 60 FPS का गेम प्ले विद GFX टूल आपको साइड बाय साइड बता रहा हूँ, और आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। 60 FPS बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। तो अब इसे GFX टूल के साथ इनेबल कैसे करें वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट पहले हम गेम प्ले देखते हैं। तो यहाँ पे हम स्मूथ और एक्सट्रीम सेटिंग्स पे पहले देखेंगे गेम प्ले। आप देख सकते हो कि FPS काउंटर भी है ऊपर, और जो भी क्लिप्स में आपको मेरा हाथ दिख रहा है और ऐसा दिख रहा है कि मैं गेम खेल रहा हूँ, उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ है। जहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है वो मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिकली जब आपको फुटेज दिख रहा है जब मैं गेम खेल रहा हूँ एक्चुअली, तो उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ है, तो उस चीज़ के बारे में कन्फ्यूज मत होना। अब हम स्मूथ और एक्सट्रीम पे गेम प्ले देखते हैं, और आप देख सकते हो कि 90% ऑफ द सिनेरियोज में ये फोन का FPS 50 से 60 के बीच में रहता है। अगर हम इसे स्टॉक से कंपेयर करें जो बस 40 FPS तक जाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब आप हॉट ड्रॉप करते हो, या फिर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपके अलावा और 3-4 स्क्वाड मिनिमम है, या फिर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, या फिर आप फाइनल सर्कल में हो जहाँ पर वंस अगेन 2-3 स्क्वाड एक साथ काफ़ी कम एरिया में है, तो यहाँ पे आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने मिल सकते हैं। आप देख सकते हो कि मैं जब हॉट ड्रॉप करता हूँ तो FPS 40s में चला जाता है, और कभी कभी कुछ रेयर केसेस में ऐसे आप 7-8 मैच खेलोगे उसमें से शायद एक मैच में FPS 40 के नीचे भी जा सकता है, बट वो फटाफट ऊपर भी आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही हॉट ड्रॉप होता है या जैसे ही लोग आप क्राउडेड एरिया में जाते हो, ज़्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ पे आपका FPS 40s में चला जाएगा। बट फिर भी ये स्टॉक 40 FPS के सेटिंग से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, तो अब आप गेम प्ले एन्जॉय कीजिए। Let's go!
इधर ही पे। वो साइड से है, वो साइड से है, मेन गेट से आ रहे हो, अंदर नहीं, आया इधर, दो तीन जन है, स्विमिंग पूल गए नहीं नहीं इधर ही है। गए गए। मैं 7-6-2 ढूंढ रहा हूँ भाई। पुश हो 3-4 लोग है भाई। इधर है बंदा, दो बिल्डिंग में, दो बिल्डिंग में। जोन स्टार्ट हो गया भाई, देखो चल, एक भी गोली नहीं लगा इसका। हाँ रुक जा रुक जा, रुकते हैं इनके लिए। हाँ रुक जा रुक जा, थोड़ा और ऊपर ले, थोड़ा और ऊपर चलेगा, चल पत्थर है, पत्थर है, चलेगा। आ गए, मुख में रैंडम फायर कर, दूसरे को भी पड़ी है। वो अंदर भागा, पेड़ पे गया। ये पत्थर पे बहुत पड़ी, उसको एक एक शॉट से बच गया। उसके बाद मैंने सोचा कि यार हम खेल ही रहे हैं तो अब HD सेटिंग्स पे भी ट्राई कर लेते हैं। तो अब HD और एक्सट्रीम पे हम खेल रहे हैं, और यहाँ पे भी आप आसानी से 50 के ऊपर ओवरऑल FPS रख सकते हो। पर यहाँ पर सीन क्या है कि यहाँ पे आपको फ्रेम ड्रॉप ज़्यादा देखने मिलेंगे स्मूथ के कंपैरिजन में। यहाँ पे FPS इजिली 40s में चला जाता है, वापस ऊपर भी आता है, पर वो जो फ्लक्चुएशन है ना वो यहाँ पे HD सेटिंग्स में ज़्यादा है। तो गेम प्ले तो अच्छा ही है, ओवरऑल आपको 50 के आसपास FPS मिल भी जाएंगे, बट ये जो सीन है फ्लक्चुएशन का वो थोड़ा अनोइंग है। बट फिर भी अगर आपको बेस्ट ग्राफिक क्वालिटी चाहिए तो आप HD और एक्सट्रीम पे खेल सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप थोड़े प्रो प्लेयर हो तो स्मूथ और एक्सट्रीम पे खेलो, वहाँ पे आपको ज़्यादा स्मूथ और स्टेबल फ्रेम रेट मिलेगा।
तो इसी तरह बेसिकली आप GFX टूल के साथ PUBG चला सकते हो अपने पोको X2 पे। अगर मैं टेम्परेचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर मुझे कुछ 43.1 या 43.2 डिग्रीज तक देखने मिला था, और मेरे रियलमी X2 वाले रिव्यू में टेम्परेचर्स कुछ 46 तक गया था। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जब वो टेस्टिंग की थी तब एनवायरमेंट जो क्लाइमेट थी वो थोड़ी ज़्यादा गर्म थी, और यहाँ पे क्योंकि अभी थोड़ी विंटर्स चालू है तो यहाँ पे ओवरऑल जो एम्बियंट टेम्परेचर था वो भी थोड़ा कम था। तो बेसिकली 2-3 डिग्री का फर्क है, बट ये दोनों ही फोन्स पे कोई मुझे थर्मल थ्रॉटलिंग या फिर ओवरहीटिंग ऐसे कुछ भी चीज़ देखने नहीं मिली थी। और GFX टूल के साथ 43 डिग्रीज इज़ अ वेरी गुड टेम्परेचर, क्योंकि आप फ़ोन को उसके लिमिट से ज़्यादा पुश कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बैटरी ड्रेन की भी बात कर लूँ तो मैंने गेमिंग स्टार्ट की थी कुछ 96% से, और कुछ 1.25 घंटे के बाद मैंने चेक किया था वापस अपना बैटरी परसेंटेज, तो वो आ गया था तकरीबन 72% के आसपास। तो बैटरी ड्रेन इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू रियलमी X2, यहाँ पे मुझे ऐसे कोई मेजर डिफरेंस देखने नहीं मिला। तो बैटरी ड्रेन और टेम्परेचर में बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं रियलमी X2 से गेम प्ले कंपेरिजन की बात करूँ तो ऑनेस्टली मुझे कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं दिखा दोनों के गेम प्ले में। यहाँ पे दोनों के ही FPS सिमिलर है, दोनों ही हॉट ड्रॉप्स में 40s में चले जाते हैं, और दोनों के टेम्परेचर्स और बैटरी ड्रेन भी सिमिलर है। तो बेसिकली पोको X2 और रियलमी X2 आपको सिमिलर PUBG एक्सपीरियंस ही देंगे GFX टूल के साथ। अगर मैं हेडफोन जैक के ऑडियो की बात करूँ तो ये डेफिनेटली मुझे पोको X2 पे बेटर लगा। इस फोन पर जो हेडफोन जैक से साउंड था वो ज्यादा लाउड था रियलमी X2 के कंपेरिजन में, तो ये मैंने एक चीज नोटिस की। पर जो गेम की क्वालिटी थी वो मुझे रियलमी X2 पे थोड़ी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि वहाँ पे AMOLED डिस्प्ले है तो जो कलर्स है गेम के और वो जो सारी चीज़ें वो ज़्यादा आपको अच्छी लगती है रियलमी X2 पे खेलते समय पोको X2 के कंपैरिजन में। बट फ्रेम रेट वाइज दोनों ही फ़ोन सेम है, ऐसा नहीं है कि एक फ़ोन दूसरे फ़ोन से बेटर है। पर अगर मैं इसे पोको F1 से कंपेयर करूँ जो बहुत सारे लोगों को जानने में इंटरेस्ट था, तो पोको F1 डेफिनेटली आपको थोड़ा ज़्यादा स्टेबल फ्रेम रेट देता है। वो फ़ोन 50 के नीचे बहुत ही कम जाता है, बट रिसेंटली लेटेस्ट अपडेट के बाद मेरे एक दो फ्रेंड्स बोल रहे थे कि पोको F1 में भी फ्रेम ड्रॉप्स थोड़े थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आपके पास पोको F1 है तो आप मुझे बताना कि स्मूथ और एक्सट्रीम पे आपको फ्रेम ड्रॉप्स मिलते हैं या फिर नहीं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पोको F1 पे फ्रेम रेट 90% ऑफ द टाइम 50-55 के ऊपर ही रहता है। यहाँ पे 40s में जा सकता है, बट पोको F1 पे FPS थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। बट पोको F1 पे उसके कुछ माइनर टच स्क्रीन प्रॉब्लम्स भी है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम मुझे पोको X2 पे देखने नहीं मिले, तो ये फ़ोन का डेफिनेटली एक बेनिफिट है। बट एनीवेज अगर मैं GFX टूल की बात करूँ तो मैंने APK नीचे लिंक किया है, आप एक गूगल प्ले स्टोर पर भी ले सकते हो बट ये आई थिंक पेड है। तो बेसिकली या तो आप XDL ऐप से या फिर गूगल प्ले स्टोर से, आई थिंक 10-20 रुपीज़ का ऐप है ये, तो डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपना गेम का वर्जन सिलेक्ट करना है जो कि है ग्लोबल। वहाँ पे फिर आपको स्मूथ और एक्सट्रीम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एंटी एलियसिंग ऑफ करना है, और फिर यहाँ से आपको आपके गेम को लॉन्च करना है। और यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो रेजोल्यूशन है वो आपको 720p रखना है। PUBG बाय डिफॉल्ट 720p ही रेंडर होता है, तो हम कोई सेटिंग्स चेंज नहीं कर रहे। तो बेसिकली 1280x720 आपको रेजोल्यूशन रखना है, और अब यहाँ पे गेम लॉन्च कर देना है आपको। और जैसे ही आप गेम लॉन्च करोगे आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन मिलेगा, और आप अप टू 60 FPS तक अनलॉक कर सकते हो। तो यही था मेरा डिटेल्ड PUBG रिव्यू विद दी पोको X2। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आपके थॉट्स मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपको लगता है कि पोको X2 अच्छा खेला PUBG में या फिर नहीं। मेरे हिसाब से आई थिंक मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था वैसा परफॉर्मेंस आपको मिल गया है 20,000 में। पोको F1 के अलावा ये वन ऑफ द बेस्ट PUBG फोन्स है। बट फिर भी अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए ये प्राइस सेगमेंट में, तो आई स्टिल थिंक कि पोको F1 और जो ASUS का Zenfone 5G है वो आपको ज़्यादा स्टेबल फ्रेम रेट्स देंगे। बट ये भी फ़ोन अच्छा है, अगर आपको PUBG के लिए लेना है ले सकते हो, बस आपको GFX टूल इनेबल करना है। और मैंने जो GFX टूल बताया वही यूज़ करना, उसमें आप बैन नहीं होते। मैं पिछले 2-3 महीने से ये टूल यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारे फ़ोन्स मैंने टेस्ट किए हैं टूल के साथ, और अभी तक मुझे पर्सनली कोई इश्यूज देखने नहीं मिले। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशन में वापस आऊँगा। थैंक यू।